नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल तिवारी ज्योति में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि सपने में रुद्राक्ष की माला देखने का क्या मतलब होता है। तो आप सभी जानती होंगे कि रुद्राक्ष की माला किसे कहते हैं। तो अगर आप सपने में रुद्राक्ष की माला को देखते हैं तो इसका क्या मतलब होता है। तो स्वप्न ज्योतिष के अनुसार सपने में रुद्राक्ष की माला को देखने का मतलब जानने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि नीचे लाल कलर के बटन को क्लिक करके आप हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सदस्यता ले लें, तथा घंटी को दबाना ना भूलें और हमारी पूरी वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि जब तक आप हमारी पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको सपनों के बारे में पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी। स्वप्न ज्योतिष के अनुसार सपनों को चार भागों में बांटा गया है। तो आइए हम जानते हैं कि सपनों को चार भागों में किस प्रकार से बांटा गया है। पहला, 12 से 3 बजे के बीच देखे जाने वाले सपनों का फल एक साल में प्राप्त होता है। दूसरा, 3 से 5 बजे के बीच देखे जाने वाले सपनों का फल 6 महीने में प्राप्त होता है। तीसरा, 5 से 6 बजे के बीच देखे जाने वाले सपनों का फल 1 महीने में प्राप्त होता है। चौथा, सूर्य उदय के बाद देखे जाने वाले सपनों का मतलब 1 सप्ताह में प्राप्त होता है। तो आइए हम जानते हैं कि सपने में रुद्राक्ष की माला देखने का क्या मतलब होता है। तो स्वप्न ज्योतिष के अनुसार सपने में रुद्राक्ष की माला देखना यह एक बहुत ही शुभ सपना माना जाता है। यह सपना इस बात का संकेत करता है कि सुख शांति आएगी परिवार में और उन्नति, यानी कि आप जो व्यापार कर रहे हैं उसमें उन्नति बढ़ेगी और आपको धन लाभ भी होगा। तो अगर यही सपना कोई स्त्री देखती तो उसके लिए भी बहुत ही शुभ सपना है। उसे धन लाभ होगा, उसके परिवार में सुख शांति आएगी और व्यापार में उन्नति होगी। तो अगर आपको ऐसे सुफल देने वाले सपने अगर आपको बार बार दिखाई देते हैं तो आप अपने परिवार व अपने मित्रजनों में ऐसे सुफल देने वाले सपनों के बारे में बिल्कुल ना बताएं। आप अपने परिवार व अपने मित्रजनों में ऐसे सुफल देने वाले सपनों के बारे में बता देंगे तो आपने जो सपना देखा है उस सपने का आपको पूरा फल नहीं मिल पाएगा। इसलिए आप अपने परिवार व अपने मित्रजनों में ऐसे सुफल देने वाले सपनों के बारे में बिल्कुल ना बताएं। और सुबह उठकर स्नान करके आप अपने इष्ट देव, यानी कि आप जिस भगवान की पूजा करते हैं, उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी चाहिए कि हमने जो सपना देखा उस सपने का हमें पूरा फल प्राप्त हो। ऐसा करने से आपने जो सपना देखा उस सपने का आपको पूरा फल प्राप्त होगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।